भाजपा के एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो आज इस राज्य में लोगों ने उनको नकारा केवल नहीं है, उनकी विधायकी भी छीन ली है और जो आज भी स्वप्नलोक में जीते हैं, खुद को आज भी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री भाव दिखाते हैं, उनका दौरा हुआ। अपने शासनकाल में जिन विफलताओं के साथ लोगों ने आगे बढ़ने का काम किया, आज उन जो सफल क्रियान्वयन है उसको किस प्रकार अपने से जोड़ा जाए, इसकी एक चाल चली जा रही है। आप जब इतना बड़ा नेता हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, तो जो राज्य आज जल रहा है, जिस राज्य में केंद्र सरकार के मंत्री का घर राजधानी में फूंका जा रहा है और वो केंद्रीय मंत्री लिख रहे हैं कि हमारा राज्य दो हिस्सों में बट चुका है, आपको वहां जाना चाहिए था ना मणिपुर। आप तो राष्ट्रीय नेता हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मणिपुर से मैच कुछ 100 किलोमीटर दूर पर 9 साल की रैली करते हैं और उस दिन 19 लोग गोली से मारे जाते हैं, उस पर आप बात नहीं करते। आप बात किस पर कर रहे हैं कि मेरे समय में एमयू हुआ था, तो आपके समय में तो 27,000 से ज्यादा एमयू हुआ था मोमेंटम झारखंड में, तो बाकी एमयू का हिसाब कौन देगा? उस समय आपको साफ सुन क्यों जाता है? मेरे समय हम उस फाउंडेशन में आए थे, आप तो कई बार कई फेज में, जो हम लोग पहली बार जो शब्द सुने थे शिलान्यास सुने थे, लेकिन ग्राउंड ब्रेकिंग हुआ था, मैंने धरती फोड़, तो कहां ही धरती फोड़ जो आप फोड़े थे, बोकारो में जाकर, जमशेदपुर में जाकर, वो भूई फोड़ का हुआ। इनको अपना समय याद आ रहा है। रघुवर जी को हमको लगता है कि उस वक्त में भी जो सत्ता का मदहोशी था उसका जो हम लोग जिसको कह सकते हैं ना कि हैंगओवर, वो हैंगओवर पीरियड बीता नहीं। जमशेदपुर में लड़ाई लगवाना ये बहुत सोचा समझा एक स्थिति में भारतीय जनता पार्टी चल रही है। भारत सरकार तो कोई जवाब देती नहीं, लेकिन जो सोशल मीडिया से जो जानकारी है कि 140 केजी सोना शायद पीतल में बदल गया, उसके लिए उत्तरकाशी हुआ, पूरे एक संप्रदाय को शहर से निकालो, जिले से निकालो, प्रदेश से निकालो, अब ये राजनीति शुरू हो गया, कहीं सांप्रदायिक बंटवारा, कहीं जातीय बंटवारा, उस पर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी एक के द्वारा कोई बात ना करना, ये तो ऐसी स्थिति हो गई। तो मैं तो रघुवर जी को कहूंगा कि अभी जब खाली बैठे हैं, आपके पास जरूर आपका भी आर्काइव होगा, उन 27,000 एमयू का स्टेटस बताइए, वो जो जमीन में जो आप बम मारे थे और उसको फोड़े थे, जमीन फोड़ो, अर्थ ब्रेकिंग, उसका हिसाब दो। आप थोड़ा आगे निकल गए, आगे निकल के बाएं घूम गए, या तो थोड़ा पहले ही बाएं घुस जाते कहीं, या दाहिने ले लेते, तो अभी जो आपकी स्थिति है उसका भी इलाज हो जाता। थोड़ा गाड़ी का तेल आपका ज्यादा जल गया, थोड़ा पीछे ही रहना चाहिए था आप। बाएं दाएं में भी हॉस्पिटल है, वहां उचित समुचित और विश्वसनीय इलाज है, वहां प्राइमरी ग्रेड से लेकर हायर सेकेंडरी ग्रेड तक का हर तरह का इलाज है। अब से हम कहेंगे कि धुरुआ से यदि कांके रोड आना ही है तो आप आइए और दाएं बाएं के हॉस्पिटल में भी चल जाएगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।